एसएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसी को कहते हैं असली माफिया राज। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, क्या 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? बीजेपी के सरकार में आते ही बिहार में माफिया राज आ गया है। अद्भुत है कि एडमिट कार्ड के पीछे पूरा आंसर लिखा हुआ है और देश में ऐसा पेपर लीक कांड कहीं नहीं हुआ। यह अद्भुत है। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? बीजेपी का जहां राज है वहीं पेपर लीक होता है। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? नहीं। और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है ये बिहार में? 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, एक पेपर लीक हुआ तो बता दो। लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक।